हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आप देख रहे हैं जीके नाई शुरू चैनल। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, सुबह मॉर्निंग में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित। तो इस वीडियो में भी आपको जानकारी मिलने वाली है यूपीपीएससी को लेकर और टीजीटी पीजीटी को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं और विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के अपडेट आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, रात हमने आपको एक अपडेट दिया था, दो विषयों की फाइलें पहुंचाई गई है निदेशालय। तो एक कमेंट आया था कि आप बार बार ओल्ड न्यूज़ देते रहते हो। देखिए, अभी तक कुल मिलाकर 8 से 10 फाइलें आपकी पहुंचाई गई है निदेशालय। ठीक है, तो समय समय पर आपको अपडेट देते रहते हैं, फिर भी आप उल्टा सीधा कमेंट्स करते हैं। वीडियो तो शेयर आपसे होती नहीं है, बस आप कमेंट्स करते हैं, आपको अपडेट मिल जाती है मॉर्निंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ऐसा मत करिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो भैया, कोरोना वायरस के चलते यूपीपीएससी की कॉपियों का मूल्यांकन भी रुका है। आईटी लेखा को छोड़ बाकी सभी में 25 तक की छुट्टी है। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनज़र हुए लॉकडाउन के बाद लोक सेवा यूपीपीएससी में कॉपियों के मूल्यांकन समेत सभी जरूरी काम रोक दिए गए हैं। आईटी और लेखा अनुभाग को छोड़ आयोग के बाकी सभी विभागों में 25 मार्च तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। इस बाबत आयोग के सचिव जगदीश की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लोक सेवा आयोग में इन दिनों पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन को अंतिम रूप दिया जा रहा है, साथ ही रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वहीं असिस्टेंट रजिस्ट्रार समेत कुछ अन्य प्रमुख भर्ती परीक्षाओं के परिणाम भी तैयार किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनज़र प्रयागराज में लॉकडाउन की घोषणा के बाद ये सभी महत्वपूर्ण काम ठप हो गए हैं। आयोग के सचिव जगदीश की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि 25 मार्च तक सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने घर पर ही रहेंगे और अपने मोबाइल फ़ोन ऑन रखेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में उनको कभी भी कार्यालय बुलाया जा सकता है। आईटी और लेखा अनुभाग को छोड़कर आयोग के सभी अनुभाग 25 मार्च तक पूरी तरह से बंद रहेंगे। 25 मार्च तक छुट्टी की घोषणा के बाद परीक्षार्थियों से संबंधित तमाम कार्य भी ठप हो गए हैं। हालांकि आईटी अनुभाग खुला होने से कुछ जरूरी काम होते रहेंगे, लेकिन कोरोना संक्रमण से बचाव को परीक्षकों को विशेषज्ञों को भी प्रवेश करने से रोक दिया गया है। पीसीएस 2018 मैथ्स असिस्टेंट रजिस्ट्रार का रिजल्ट अभी भी फंसेगा। और प्रवक्ता में अलग अलग मानकों से किया चयन। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से हुई प्रवक्ता जीव विज्ञान के चयन को लेकर लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों ने मनमानी का आरोप लगाया। अभ्यर्थियों ने कहा कि एक ही विषय के साक्षात्कार में चयन के लिए अलग अलग मानक रखे गए हैं। चयन बोर्ड पर आरोप है कि प्रवक्ता जीव विज्ञान के लिए साक्षात्कार के पहले 2 दिन तक एक मानक रहा, जबकि अंतिम 2 दिन में चयन के मानक बदलकर लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार से बाहर कर दिया गया। चयन बोर्ड ने आधे साक्षात्कार के बाद भी बदला चयन का मानक। साक्षात्कार से बाहर किए गए अभ्यर्थी आशुतोष त्रिपाठी का आरोप है कि प्रवक्ता जीव विज्ञान के लिए इससे पूर्व में 2013 में जूलॉजी बॉटनी सहित अप्लाइड साइंस में एमएससी शैक्षिक योग्यता वालों को साक्षात्कार में शामिल करने के साथ उनको चुना गया है। 4 और 5 जनवरी को हुए साक्षात्कार में चयन बोर्ड ने जूलॉजी बॉटनी सहित अप्लाइड साइंस को शामिल होने का मौका दिया, तब जबकि अंतिम 2 दिन 6 से 7 जनवरी को होने वाली साक्षात्कार में अप्लाइड साइंस में एमएससी डिग्री वालों को यह कहकर साक्षात्कार से बाहर कर दिया कि उनके पास प्रवक्ता जीव विज्ञान के लिए शैक्षिक अर्हता नहीं है। तो टीजीटी पीजीटी को लेकर ये लेटेस्ट न्यूज़ था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाहर मत निकलिए। कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में आप सभी जानते हैं, तो प्लीज़ बाहर मत निकलिए, घर पर ही रहिए, सेफ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।